पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग डालो क्लास आप लोग मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ई एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप सब बना चुके हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन बेसिक क्वेश्चन ये सब बना चुके हैं तो अब हमें जो बनाना है वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं उसको हमें स्टडी करना है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो मेथड है पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कॉपी में लिखते चले जाओ कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड है पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड जब पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं ना तो उस कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो अलग अलग तरीके हैं दो अलग अलग मेथड हैं। पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग मैं बता दूं आपको अंडर फिक्स मेथड ओनली हियर आप लिख लो हियर बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड नाम से ही पता पड़ रहा है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो क्या रहता है फिक्स रहता है लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस मेथड में हियर बैलेंस ऑफ यर बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंजेस नाम से ही पता पड़ रहा है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो फिक्स रहता है जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो फ्लक्चुएट करता है वो बदलता है समझ रहे बात को हियर ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसी समझना बहुत जरूरी है अच्छे से हियर ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन यहां पे एक ही अकाउंट सॉरी क्लास हियर टू अकाउंट्स आर मेंटेन टू अकाउंट्स आर मेंटेन पहला पार्टनर्स करेंट अकाउंट दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लास फिक्स कैपल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं एक पार्टनर का करेंट अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपने एलेवेंथ क्लास से ही पढ़ रखा होगा कि कभी भी कोई प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल को बढ़ाता है और अगर लॉस है वो ड्राइंग से तो हमारी कैपिटल को कम करता है और इस मेथड का नाम क्या है फिक्स कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को तो नहीं बदल सकते वो फिक्स रहेगा यहाँ पे जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो फिक्स रहेगा इसीलिए हम जितनी भी चीज़ें लाइक ड्राइंग्स और प्रॉफिट और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम एक और अकाउंट ओपन करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट और उसके अंदर भेज देंगे बस कैपिटल का जो बैलेंस है कैपिटल का जो बैलेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस वो आएगा बस कैपिटल अकाउंट में बाकी सारा जो है वो करेंट अकाउंट में भेज देंगे तो यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स रहता है जो भी अदर चीजें हैं जो हम सीखेंगे फॉर्मेट के अंदर अभी वो हम सारा भेज दें करंट अकाउंट के अंदर तो यहां पे दो अकाउंट बनाए जाते हैं लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हियर ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन। यहां पे एक ही अकाउंट बनाया जाता है और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर एक ही एक अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं पहला होता है पार्टनर्स करेंट दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल क्लियर है तो अब मैं सबका फॉर्मेट बना रहा हूं जरा ध्यान से देखना और लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं यहां लिख भी देता हूं अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड अंडर फिक्स कैपिटल उंट मैथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैजेज क्रेडिट बैलेंस फिक्स कैपिलाउं मैथड में जो पार्टनर्स का कैपिलाउंट बनता है उसका हमेशा जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा क्लास क्या होता है क्रेडिट बैलेंस ही होता है तो अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा फिक्स अकाउंट मेथड के अंदर क्लियर है बात यहां तक अब सारी चीज कैसे है ये हम फॉर्मेट बना के समझते हैं हेडिंग डालो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ध्यान रखना कौन से मेथड के अंदर है ये फ्लक्चुएटिंग मेथड क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स ए बी सी मैं मान लेता हूं तीन ही पार्टनर है ये मेरा बोलेंगे पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लो फटाफट फड़ सारा फॉर्मेट अब हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आपको सबको बना भी दूंगा साथ में याद भी करवा दूंगा अभी अभी देखते चले जाओ सब सबसे पहले इसके अंदर लिखो ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी यहां लिखो ड्रॉइंग्स ओपनिंग बैलेंस लिखो बाई बैलेंस बीडी और टू साइड लिखो टू ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है बाई बैलेंस बी डी और डेबिट साइड आएगा ड्रॉइंग्स अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग जो जो चीज़ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने डेबिट लिखा है उन सबको यहाँ पे क्रेडिट लिखना है अच्छा हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं आपको अगर इन दोनों मेथड में क्वेश्चन साइलेंट है क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन सा मेथड है तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है क्लास फ्लक्चुएटिंग मेथड ध्यान रखना क्यों तुम्हारे लिए आसान है ना एक ही अकाउंट बनेगा फिक्स में दो अकाउंट बनता है वैसे जनरली तो फ्लक्चुएटिंग ही आता है लेकिन पढ़ के दोनों जाना कुछ भी पूछ सकता है ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही मेथड पढ़ के जाओगे हाँ पर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है कि फिक्सड है या फ्लक्चुएटिंग है तो हम मानेंगे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग बैलेंस है तो बाई बैलेंस बी डी लिखोगे ड्रॉइंग लिखोगे अब सुनो ढंग से ढंग से सुनो अकाउंट अकाउंट के के अंदर, पी के अंदर आपने जो भी चीज डेबिट में लिखा है ना वो सारी चीजें क्रेडिट लिखो डेबिट में क्या क्या लिखते हैं जरा याद कर लो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई सैलरी उसमें लिखते ना एबीसी तो ए का एमए बी का बीमे सी का सी में बाई कमीशन क्लास रिजर्व तो अभी क्रिएट हुआ है तो वो बटेगा नहीं बाई डिविजिबल प्रॉफिट्स जो डिविजिबल प्रॉफिट्स है वो भी इधर बटेगा डेबिट साइड क्या क्या क्लास एक ही चीज आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू डिविजिबल लॉस ओके तो ये सारी चीजें हो गई टोटलिंग कर लो और यहां लिख देंगे टू बैलेंस सीडी अगर मान लो फॉर्मेट आपको घर पे बनाना है दोबारा अगर ये साइड बड़ी है डेबिट साइड तो बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सीडी कहने का मतलब क्या है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट मेथड से बनता है तो एक ही एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें बाय ओपनिंग बैलेंस बाय बाई कैपिटल मतलब जो जो पार्टनर को मिलना है वो क्रेडिट उसके बैलेंस को बढ़ाएगा और जो जो पार्टनर से लेना है वो सारे बैलेंस डेबिट वहां बैलेंस कम होंगे ये पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बन गया जो आपने ध्यान रखना है आगे बात समझ कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट डन है अब हम बनाते हैं फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और करंट अकाउंट का फॉर्मेट। ये हमारा क्लियर हो गया यहां तक नहीं नहीं ये ड्राइंग जो है ना ये प्रॉफिट में से है ध्यान रखना ये ड्राइंग प्रॉफिट में से है अगर मान लो वैसे क्लास आप एक लाइन और लिख लो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा जगह बनाता हूँ यह बाय डिविजिबल प्रॉफिट्स अगर क्लास क्वेश्चन ये कह दे जनरली ना के बराबर क्वेश्चन पूछता है लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन ये कह दे कि एडिशनल कैपिटल है तो आप लिख देना बाई बैंक एडिशनल कैपिटल अगर वो मान लो कोई पार्टनर साल के बीच और पैसे ले लगा, आता लगा, है लगा देता है तो एडिशन कैपिटल है और अगर अपने कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर लेता है ध्यान रखना कैपिटल में से तो उसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉन ऑफ कैपिटल अगर एडिशनल कैपिटल आएगा तो बाई बैंक एडिशन कैपिटल और विड्रॉ करेगा तो कैपिटल टू बैंक ऑफ कैपिटल अगर होगा तो लिख देंगे म तौर पर नहीं मिलता चीजें कोई एक का दुक्का क्वेश्चन में कभी आ गया तो ठीक अदरवाइज मैंने तो पूरा फॉर्मेट लिखवा दिया आपको अब ये फॉर्मेट पूरा अच्छे से लिख के याद करना है ट्रिक ध्यान रखना जो जो एप्रोपरेशन में डेबिट आता है वही चीज कैपिटल अकाउंट में आता है क्रेडिट और जो जो अप्रोपरियशन में क्रेडिट आता है वही चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आता है डेबिट ओके अब हम बनाते हैं नेक्स्ट पार्टनर्स करेंट अकाउंट रखना करंट अकाउंट किस मेथड में बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर्स प्रिपेयर करंट अकाउंट पर्टिकुलर्स ए बी सी सी क्रेडिट डेबिट क्लास ध्यान से समझना यहां भी लिखना है ओपनिंग बैलेंस और यहां लिखना है ड्रॉइंग्स ठीक है ओपनिंग बैलेंस और ड्रॉइंग्स अब जो जो पीएनडल अप्रोप्रिएशन में लिखा है आपने डेबिट उन सब को यहां करना है क्रेडिट लाइक बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई सैलरी बाई कमीशन रिजर्व तो आएगा नहीं बाय डिविजिबल प्रॉफिट्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू डिविजिबल लॉस ठीक है जोड़ देंगे इधर जो बैलेंस बचेगा वो आएगा टू बैलेंस सीडी और इधर बचेगा तो बाई बैलेंस सीडी तो अब आप जरा चेक करो फटाफट चेक करो बिल्कुल सेम जो करेंट अकाउंट का क्लास फिक्स मेथड में आपने बनाया है बिल्कुल सेम वैसा ही कैपिटल अकाउंट का बनाया फ्लक्चुएटिंग मेथड में बिल्कुल सेम अंतर क्या है मैं समझा देता हूं ये जो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है ना ये करंट अकाउंट का है करंट अकाउंट में जो बीडी लिखा है ना आपने ओपनिंग बैलेंस वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में जो आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा था वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था बाकी इसमें एडिशनल कैपिटल और विड्रो ऑफ कैपिटल नहीं आता क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में जाता है तो अगर आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि फिक्स मेथड है तो फिक्स मेथड के अंदर दो अकाउंट आपने बनाना पड़ेगा पहला करेंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो बहुत ही ज्यादा छोटा सा है कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है कुछ आता ही नहीं हम कौन सा मेथड बना रहे हैं फिक्स मेथड तो फिक्स मेथड में तो जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वही आपका सेम क्लोजिंग बैलेंस रहेगा तो कई बार क्वेश्चन आता है कि फिक्स मेथड में जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस रहेगा बिल्कुल रहेगा लेकिन दो चीजें और हैं जो इसमें आती हैं क्या अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ले आए तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ले आता है वो यहाँ पे आएगा और अगर कोई पार्टनर कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर लेता है वो यहाँ पे आएगा बस यही है कैपिटल अकाउंट तो फिक्स मेथड में ये दोनों बनाना पड़ता है देख लो करेंट और कैपिटल दोनों और अगर हम इन सबको जोड़ दें तो कैपिटल अकाउंट में एक ही बनाना पड़ता है उसमें ये बैंक एडिशन कैपिटल भी आ गया ऑफ कैपिटल भी आ गया लेकिन एक डिफरेंस है ये जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है इसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इधर भी बच सकता है और इधर ही बच सकता है सीडी कहीं भी आ सकता है करंट अकाउंट में भी सीडी कहीं भी आ सकता है लेकिन फिक्स मेथड का जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है उसका सीडी हमेशा यहीं पे ही होगा डेबिट साइड यानी कि क्रेडिट बैलेंस क्योंकि यार ऐसा थोड़ी होगा कि मेरी कैपिटल में है दस लाख मैं निकाल लू उसमें से पंद्रह लाख तो जो ओपनिंग बैलेंस है मान लो दस लाख है तो विदड्रॉ में कितना कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा दस लाख तो दस लाख से ज्यादा तो विद्रॉ करूंगा नहीं जो मेरा क्लास सी डी है ना वो हमेशा इधर ही बचेगा कैपिटल अकाउंट में कभी भी इधर नहीं बचेगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड है फिर तो हम क्लास ये एक ही अकाउंट बनाएंगे क्वेश्चन कह रहा है फिक्स मेथड है तो फिर दो अकाउंट बनाना पड़ेगा इन फॉर्मेट को लिख के अच्छे से एनालाइज करके आपको याद करना है हालांकि ज्यादा याद करना पड़ेगा नहीं सेम ही है सब कुछ उप, आपको समझ आ गया होगा अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इससे रिलेटेड है कुछ क्वेश्चंस वो देख लेते हैं सब लोग आ जाओ फोर्टी नाइन क्वेश्चन पे कम टू क्वेश्चन सॉरी फोर्टी सिक्स पे आ जाओ सब लोग क्लास फोर्टी सिक्स पे आ जाओ सचिन वो डब्ल्यू सी है विदड्रॉन ऑफ कैपिटल और एसी है एडिशन कैपिटल एसी सी इज एडिशनल कैपिटल और डब्ल्यू सी है विदड्रॉन ऑफ कैपिटल जल्दी से क्लास सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर है फोर्टी पढ़ो फोर्टी क्वेश्चन में लिखा क्या है एक बार चेक करो जल्दी से फोर्टी सिक्स क्वेश्चन में क्या लिखा है चेक करो आपको जो है वो बनाना है क्लास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सोहन और मोहन दो पार्टनर हैं सोहन मोहन कैपिटल दे रखा है ड्रॉइंग रखा है इंटरेस्ट कैपिटल इंटरेस्ट ड्रॉइंग प्रॉफिट सैलरी कमीशन सब दे रखा है और आपको बनाना क्या है क्लास कैपिटल फ्लक्चुएटिंग में आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है फटाफट फॉर्मेट बनाओ और कैप्लीकाउंट बनाना चालू करो जल्दी से फॉर्मेट बनाओ कैप्लीकाउंट बनाओ बनाओ क्लास क्वेश्चन नंबर है फोर्टी सिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है इसमें सोहन मोहन ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस बी डी चार लाख और तीन लाख ड्रॉइंग्स फिफ्टी थाउजेंड और थर्टी थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस पांच परसेंट है चार लाख का पांच परसेंट बीस हजार तीन लाख का पांच परसेंट पंद्रह हजार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जगह तो पता ही है आपको किधर लिखना है स्पेस तो आपको पता ही है किधर लिखना है बारह सौ पचास सात सौ पचास डिविजिबल प्रॉफिट सिक्सटी थाउजेंड एंड फिफ्टी थाउजेंड सैलरी टी सिक्स थाउजेंड सोहन को मोहन को नील सैलरी के बाद कमीशन एक को फाइव थाउजेंड एक को थ्री थाउजेंड टोटल कर लेते हैं लगाओ फटाफट टोटलिंग Five lakh twenty one thousand four six nine two balance C D three sixty eight चेक करना यही है ना क्लास फोर्टी सिक्स क्वेश्चन है टू पॉइंट एट फाइव पेज पे टू पॉइंट एट फाइव पेज पे कुछ नहीं था सब कुछ दिया हुआ था आपने सिर्फ अप्रोप्रिएशन बनाया है आपने और क्या किया है सॉरी कैपिटल अकाउंट बनाया आपने यहां डेबिट यहां क्रेडिट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर आ जाओ सब लोग क्लास जल्दी से अब कुछ नहीं करना है क्लास अकाउंट नॉर्मल ऐसे ही बनाना है सारे जल्दी से सब लोग क्लास फिफ्टी वन पे कम टू फिफ्टी वन इसमें कोई दिक्कत परेशानी डाउट है तो पूछ लो और फिफ्टी वन क्वेश्चन पे आ जाओ 51. अच्छा क्वेश्चन है क्लास फिफ्टी वन भी क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं पेपर में नौ में पूछा गया फोर्टी सेवन चलो फोर्टी सेवन भी बता दूंगा कोई इशू नहीं है पहले फिफ्टी वन मुझे बताने दो तो फिर फोर्टी सेवन भी करा दूंगा डोंट वरी फिफ्टी वन क्वेश्चन पे आ जाओ एबीसी तीन पार्टनर्स हैं इनकी कैपिटल है फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड और वन लाख इनके करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है यानी कि क्वेश्चन में क्लास जो मेथड अपना रहे हैं ना ये फिक्स मेथड है इन दोनों का तो क्रेडिट बैलेंस है और लेकिन सी का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है दस परसेंट सी काम करता है वर्किंग पार्टनर तो सी को जो सैलरी मिलती है वो बारह हजार मिलती है पर एनम सी को जो सैलरी मिलती है क्लास सी को वो बारह हज़ार मिलती है पर एनम द प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइड एज प्रॉफिट जो बंटवारा हो रहा है प्रॉफिट का वो कैसे बंटवारा हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग डिविजिबल प्रॉफ़िट निकालेंगे और जो डिविजिबल प्रॉफ़िट निकल के आएगा लास्ट में उसको कैसे बांटेंगे ये लिखा हुआ है तो एक काम करते हैं ना पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं फिर बंटवारा तो बाद में करेंगे जो प्रॉफिट निकल के आया है फॉर्म का वो है वन लाख सेवेंटी टू थाउजेंड प्रॉफिट जो है वो कितने का क्लास वन लाख सेवन करेंट अकाउंट का बैलेंस कुछ ही नहीं जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है ना इनका इतना इतना कैपिटल अकाउंट बैलेंस है उसी तरीके से करंट अकाउंट का बैलेंस भी होता है सेम तो चेक करो जरा फिफ्टी क्वेश्चन में सोल्यूशन फिफ्टी और हमें इस क्वेश्चन में जो बनाना है वो पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्री भी पास करनी है वही जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा तब तो जर्नल एंट्री तो मैं सारी ही सिखा दूंगा आपको लेकिन पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल पे इंटरेस्ट किस किस को मिलेगा ए को बी को और सी को और आपको रेट जो दिया हुआ इंटरेस्ट में कैपिल का दस परसेंट है तो पचास हजार का दस परसेंट है पांच हजार पचास हजार का दस परसेंट पांच हजार एक लाख का दस परसेंट दस हजार तो ये आ गया क्लास कितना बीस हजार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया बीस हजार सैलरी सी काम करता है सी और उसको सैलरी मिलती है बारह हजार पर एन बस और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में वन सेवेंटी टू से घटा दो थर्टी टू आंसर आ गया वन लैख फोर्टी थाउजेंड टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू बच्चों ध्यान से समझना मैं ट्रांसफर टू कैपिटल नहीं लिख रहा हूँ यहाँ करंट लिख रहा हूं तो क्यूं? है क्यों? क्योंकि ये फिक्स मेथड का क्वेश्चन है फिक्स मेथड में सारी चीजें जो है वो करंट अकाउंट में चली जाती हैं, इसीलिए जो प्रॉफिट है वो आपने कहाँ भेजना है करंट अकाउंट में। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया लेकिन जो एक लाख चालीस हजार का प्रॉफिट है इसको कैसे बांटना है उसके लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले जो बीस हजार है वो उनकी कैपिटल प्रपोशन में बटेगा जो पहला बीस हजार है वो उनकी कैपिटल प्रपोशन में बटेगा मुझे बताओ तीनों की कैपिटल कितनी कितनी है पचास पचास एक तीनों की जो कैपिटल है वो है पचास पचास एक जब रेशियो बनाओगे तो बनेगा वन रेशियो वन रेशियो टू वन बाई फोर वन बाई फोर टू बाई फोर इन तीनों की कैपिटल को काट के एक रेशियो बनाया जाता है जिसको बोलते हैं कैपिटल रेशियो जो कि है वन रेशियो वन रेशियो टू यानी वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर तो ये जो एक लाख चालीस हजार में से पहले बीस हजार हैं इस ट्वेंटी थाउजेंड को हम बांट देंगे ए में बी में और सी में इस रेशियो में पांच हजार पांच हजार दस हजार अच्छा नेक्स्ट थर्टी थाउजेंड जो है वो साफ साफ लिखा है किस रेशियो में बांटना है फाइव थ्री टू में फाइव बाई टेन थ्री बाई टेन टू बाई टेन तो पंद्रह हजार नौ हजार और छह हजार अच्छा तीस और बीस पचास चला गया और बाकी जो नब्बे बचा वो नब्बे हजार एबीसी में कैसे कैसे बटेगा इक्वली अच्छा नब्बे हजार का इक्वली मतलब वन बाय थ्री वन बाई थ्री वन बाय थ्री ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में जैसे चेक कर लो आप लोग ये फाइव थ्री टू में फाइव बाई ट्री बाई टेन टू बाई टेन तो हमने इस तरीके से प्रॉफिट को बांट दिया तो ए को टोटल कितना मिलेगा पांच यहाँ से पंद्रह यहाँ से बीस तीस पचास तो ए का आप लिख दो यहाँ पचास हजार बी को पांच यहाँ से नौ यहाँ से नाइन फाइव फोर्टीन प्लस थ्री फोर्टी फोर सी को टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन प्लस थर्टी जाएगा फोर्टी सिक्स थाउजेंड ये पूरा का पूरा क्लास क्वेश्चन डन फिफ्टी फोर्टी फोर फोर्टी सिक्स वेल डन जिन्होंने किया और ये जो भी किया आपने ये वर्किंग नोट है ध्यान रखना ये क्या है वर्किंग नोट आपने प्रॉफिट्स एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है जनरल एंट्री क्लास में सिखा दूंगा आपको बहुत ही सिंपल है पहले हम अकाउंट एक बार सीख जाए सारी बनाना फिर एंट्री भी सीख लेंगे और अगर आप आपको कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला जाता तो कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आता और क्लोजिंग बैलेंस करंट अकाउंट में यह सारी चीज चली जाती है तो एक करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन भी देख लेंगे हम जहाँ पे करंट अकाउंट बनाना होगा कैपिटल अकाउंट बनाना होगा वो भी देख लेंगे डोंट वरी अब जरा सब लोग आ जाओ एक क्वेश्चन फोर्टी सेवन पे देख लेते हैं एक बच्चे ने पूछा है फोर्टी सेवन क्वेश्चन डब्लू एन वर्किंग नोट वर्किंग नोट डब्लू एन की फुल फॉर्म भी बतानी पड़ेगी क्या वर्किंग नोट जल्दी से आ जाओ सब सब लोग क्लास फोर्टी सेवन क्वेश्चन पे जरा इसको बना लेते हैं फोर्टी सेवन क्वेश्चन पे आ जाओ ए और बी दो पार्टनर्स है पचास हजार बी की कैपिटल है ड्यूरिंग द द ईयर फर्म अर्न ऑफ़ फिफ्टी थाउजेंड प्लस फॉर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया पचास हजार टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर पार्टनरशिप की शर्तें क्या क्या है? सबसे पहली शर्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा छह परसेंट पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा ना वो मिलेगा छह परसेंट पचास हजार का छह परसेंट तीन हजार तीस हजार का छह परसेंट अठारह सो एक मिलेगा दो परसेंट कमीशन किस पे टर्नओवर पे बच्चों टर्नओवर मतलब होता है सेल्स टर्नओवर मतलब सेल होता है उस क्वेश्चन के नीचे देखो टर्न दे रखा होगा तीन लाख का दो परसेंट कितना बनता है छ हजार ए को जो मिलेगा ना क्लास कमीशन मिलेगा टर्नओवर पे टर्नओवर यानी सेल्स तो तीन लाख का दो परसेंट कितना होता है छ हजार बी को मिलेगी सैलरी पांच सौ पर मंथ बच्चों एक महीने की पांच सौ है तो पूरे साल की कितनी सैलरी होगी छ हजार अब इसके बाद एक कमीशन का पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट सब लोग जरा ध्यान से समझना है यहां पर क्या लिखा हुआ है लिखा है कि बी विल गेट फाइव परसेंट कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर रिडक्शन रिडक्शन मतलब माइनस ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन बी को जो कमीशन मिलेगा ना वो नेट प्रॉफिट में से सुनना ध्यान से जो बी को कमीशन मिलेगा वो नेट प्रॉफिट में से हम सारे खर्चों को माइनस कर देंगे उसकी कमीशन को भी माइनस कर देंगे बी का कमीशन निकाल रहा उसे कमीशन ही माइनस कर देंगे उसके बाद जो बचेगा उसका पांच परसेंट कमीशन बी को मिलेगा चलो करके दिखाऊंगा अभी आपको डोंट वरी कमीशन के दो केस होते हैं आफ्टर बिफोर वो भी लिखवा दूंगा आपको ए की और बी की ड्राइंग दी है टर्नओवर दी है। आपको बनाना क्या है अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपको अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट जो है वो दोनों आपने बनाना है ओके इस क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं है कि ये फिक्स मेथड है कहीं भी लिखा है क्या फिक्स मेथड है तो हम ऐसा मानेंगे कि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड ही मानेंगे चलो क्वेश्चन फोर्टी सेवन कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन फोर्टी सेवन सोल्यूशन एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट फोर्टी सेवन में नेट प्रॉफिट कितना है जरा मुझे बताओ फोर्टी सेवन क्वेश्चन में पचास हजार का नेट प्रॉफिट है ड्राइंग तो दे रखा है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया तो आप नहीं निकाल सकते लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल सकते हो ए और बी का परसेंट है तीन हजार और अठारह सौ ये आ गया फोर्टी एट हंड्रेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया फोर्टी एट हंड्रेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद कमीशन मिलेगा एक ओप कमीशन ए तीन लाख का दो परसेंट छ हजार जो टर्नओवर दे रखा है वो तीन लाख ,00 दिया हुआ है तीन लाख ,00 का दो परसेंट छ हजार टू सैलरी बी को जो सैलरी मिलती है वो पर मंथ फाइव हंड्रेड है ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को एक महीने की पांच सौ है और साल में महीने कितने होते हैं बारह लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है क्लास कमीशन ए को जो कमीशन मिलता है ध्यान से समझना नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस को माइनस कर दो सारे खर्चों को माइनस कर दो और उसका खुद का कमीशन भी माइनस कर दो पर लेकिन सवाल यह है कि उसे खुद का कमीशन तो हमने निकाला ही नहीं अभी तक उसे माइनस कैसे करेंगे तो उस सिचुएशन में हम करते हैं फाइव अपॉन वन जीरो फाइव दस परसेंट होता तो दस अपॉन एक सौ दस आफ्टर अगर कमीशन आफ्टर दिया गया हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो तो रेट अपॉन हंड्रेड प्लस प्लस रेट लगाते हैं और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होता तो रेट अपॉन ऑन हंड्रेड लगाते अब चेक करो यहाँ पे क्या लिखा है बी को जो कमीशन मिलेगा साफ साफ लिखा है जो बी को कमीशन मिलेगा वो पांच परसेंट प्रॉफिट पे आफ्टर डिशन ऑफ आफ ऑल एक्सपेंस तो, तो हमने माइनस कर दिया इंक्लूडिंग सच कमीशन मतलब उसे खुद का कमीशन भी माइनस करना है तो उसे खुद का कमीशन तो हम निकाल ही रहे हैं ना अभी तो उसको हम माइनस तो कर नहीं सकते इसीलिए उस सिचुएशन में हमने क्या किया रेट अपॉन ऑन हंड्रेड प्लस रेट किया है आफ्टर के केस में रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट करते हैं भाई इसमें पहली बात मैं बता दूं ड्राइंग तो हम लेते ही नहीं है पी पिंडल अप्रोप्रिएशन में अगर आपको फॉर्मेट याद हो किसी बच्चे को पी पीएंडल अप्रोप्रिएशन में ड्राइंग नहीं लेते पी अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं पी एंडल अप्रोप्रिएशन में ड्राइंग तो लेते ही नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं और इंटरेस्ट का रेट गिवन है ही नहीं जो कमीशन मिलेगा चेक करो एक को कितना कमीशन मिलेगा कमीशन एक ही तो मिल रहा है ना कमीशन किसको मिल रहा है चेक अच्छा बी को मिल रहा है तो यहाँ बी लिख दो प्लस कमीशन बी को मिल रहा है सॉरी तो बी लिख देना जो कमीशन है वो बी को मिल रहा है तो बी को लिख दो वन फाइव एट वन अब आपने क्या करना है अब क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर देना है और जो भी बचेगा वो सारा का सारा आएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी जो पचास हजार है पचास हजार में से माइनस कर देंगे हम जो बचेगा ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है थ्री वन सिक्स वन नाइन और इस क्वेश्चन में जो रेशियो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में जो रेशियो क्लास दिया हुआ वो थ्री रेशियो वन है थ्री बाई फोर वन बाई फोर टू तो थ्री सेवन वन फोर सेवन जीरो नाइन फाइव बन गया हमारा पिन लैपर ऑपरेशन कमीशन के लिए एक नोट भी लिखवा दूंगा अभी मैं अभी आप इतना करो सचिन मैंने बी लिख दिया वो ए गलती से लिखा था अब लिख दिया बी को कमीशन अब बनाते हैं कैपल अकाउंट पार्टनर्स कैपल अकाउंट कौन कौन पार्टनर्स हैं क्लास ए बी ए बी अगर एप्रोप्रिएशन बना लिया तो कैपिटल में क्या रखा है कुछ भी नहीं है कितना एक क्लास बताओ ए का ए का पचास हजार है बी का ड्राइंग्स लिख दो यहां पे ड्राइंग्स, ड्राइंग कितना कितना दिया हुआ है? चेक करो एट और सिक्स कोई डाउट है तो साक्षी पूछ लो फटाफट ड्राइंग एट और सिक्स दिया हुआ है आपको बाकी जो जो निकाला आपने वो रख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपोजिट से ट्रांसफर करना है जो क्वेश्चन में सचिन लिखा रहेगा वही तो करेंगे इस क्वेश्चन में कहाँ इसमें लिखा हुआ है कि बी को कमीशन मिल रहा है बी को कमीशन तो लिख दिया ए को कमीशन जो है वो दो परसेंट है टर्न ओवर तो लिख तो दिया तीन लाख ,00 का दो परसेंट ये छह हजार जो दिया हुआ है वो हम लिख रहे हैं अच्छा बी का जो डिविजल प्रॉफिट है वो गलत है बस चेक करना जरा थ्री वन सिक्स वन नाइन वो हम फोर से डिवाइड दे, दे देंगे उस, आ,

ए को मिलता है छह हजार बी को मिलता है वन फाइव एट वन सैलरी सैलरी बी को कितना मिलता है छह हजार सैलरी बी को कितना मिलता है छह हजार नेक्स्ट है डिविजिबल प्रॉफिट बाई डिविजिबल टू थ्री सेवन वन फोर सेवन नाइन जीरो फाइव ठीक है तो ये हमने सारी की सारी चीजें लिख दी जो मिलना था बस खत्म हो गया क्वेश्चन टोटलिंग करके आंसर निकाल दो टू बैलेंस सीडी जल्दी से क्लास करो टोटलिंग और आंसर निकालो सीडी निकालो चेक करो जल्दी से फिफ्टी नाइन थाउजेंड हो गया और टू थ्री सेवन वन फोर है ये आपका आंसर आ रहा है एट टू सेवन वन फोर एट टू सेवन वन फोर सेवन फोर सेवन वन फोर यह फोर सेवन टू एट सिक्स फोर सेवन टू एट सिक्स फोर वन टू एट सिक्स यह आ गया क्लोजिंग बैलेंस डन है क्लास मैं डी पॉइंट बता देता हूँ आपको डोंट वरी जो कमीशन मिलेगा ना बी को वो जो नेट प्रॉफिट है हमारा नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस को घटा दो सारे एक्सपेंस जितने भी एक्सपेंस है लाइक फोर्टी एट हंड्रेड है सिक्स थाउजेंड है और सिक्स थाउजेंड घटा दो उसका कमीशन भी घटा दो यानी कि आफ्टर कमीशन अब मैं कमीशन के नोट लिखवा रहा हूँ देखो कमीशन कभी भी अगर आफ्टर लिखा होगा तो रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट करेंगे कमीशन बिफोर लिखा होता तो रेट अपॉन हंड्रेड करते अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होता है इस क्वेश्चन में तो हम रेट अप हंड्रेड करते लिखा है, तो हमने क्या रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट कमीशन उसी के अंदर से निकालना है हमको इसीलिए रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट किया अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा बाईस हजार चार सौ रुपए का और जिसके अंदर टैक्स भी है बारह परसेंट का जिसके अंदर टैक्स जो है वो बारह परसेंट का है तो आप टैक्स के अमाउंट को अलग करो और मोबाइल फोन के अमाउंट को अलग करो कर सकते हो बाईस हजार चार सौ रुपये का मैंने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और उसी के अंदर ही मैंने बारह परसेंट टैक्स भी दिया सरकार को तो आपको मोबाइल फ़ोन की कीमत बतानी है अलग से और टैक्स कितना दिया ये बताना है मेजॉरिटी बच्चे गलती क्या करते हैं कुछ लोग कर भी रहे होंगे भी शुरू कर दी होगी मेजॉरिटी बच्चे इसका बारह परसेंट निकाल के यहाँ रख देते हैं मेजॉरिटी बच्चे बाईस हजार चार सौ का बारह परसेंट निकाल के यहाँ रख देंगे जो कि गलत है मेजॉरिटी बच्चे ही करते हैं प्रगति ने बिल्कुल करेक्ट बोला है इसे करना कैसे है? मैं सिखा देता हूं आपको ये जो अमाउंट है बाईस चार सौ वो एक सौ बारह परसेंट है क्योंकि हमने बारह परसेंट एक्स्ट्रा टैक्स दिया है तो अगर आपको टैक्स का अमाउंट निकालना हो तो बाईस हजार चार सौ को एक सौ बारह से डिवाइड देकर इंटू कर दो बारह और मोबाइल फोन की कीमत अगर आपको निकालनी हो तो बाईस हजार चार सौ को एक सौ बारह से डिवाइड करके इंटू कर दो सौ तो ये आएगा आपका बीस हजार आएगा आपका चौबीस सौ और बीस हजार का बारह परसेंट बनता है चौबीस सौ यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है तो यानी कि इसी के अंदर है आपका टैक्स तो बाहर निकालने के लिए एक सौ बारह इसी प्रॉफिट के अंदर कमीशन है पार्टनर का तो बाहर निकालने के लिए पांच एक सौ पांच ताकि कमीशन का अमाउंट आप बाहर निकाल सको इसीलिए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हम रेट अपॉन हंड्रेड करते हैं हमारा क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया मैं कमीशन के लिए आपको एक नोट लिखवा देता हूं समझ लो आप कमीशन टू अ पार्टनर पार्टनर को कमीशन देने के लिए अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो रेट अपॉन हंड्रेड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तब करेंगे रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट यानी पांच अपॉन एक सौ पांच आठ अपॉन एक सौ आठ दस अपॉन एक सौ दस इस तरीके से करेंगे रेट अपॉन हंड्रेड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जहां पे होगा वहां रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट कर देंगे रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट क्वेश्चन दिखाता हूँ क्लास में आपको इसी कमीशन के ऊपर एक दो क्वेश्चन और करते थे कमीशन वाला टॉपिक जो है ना वो स्ट्रांग हो जाए एक बार कमीशन वाला टॉपिक जो है वो हम स्ट्रांग करते हैं रहा। वैसे मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ थर्टी वन से लेकर थर्टी फाइव तक होमवर्क है थर्टी वन आते हैं जरा चेक करो फटाफट बना लोगे क्लास कोई मुश्किल काम नहीं है अमर अमर भानु और चारू तीन पार्टनर है सैलरी जो है मिलती है एक लाख बीस हज़ार नेट प्रॉफिट है चार लाख अस्सी हज़ार ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट टू ईच पार्टनर सैलरी और कमीशन दोनों का पॉइंट है और मैं सैलरी के लिए एक बात आप सबको बता दूं कि पार्टनर को जो सैलरी मिलती है वो साल में एक बार मिलती है तो अगर कहीं पर मंथ लिखा हो ना तो बारह से मल्टीप्लाई कर देना तो दोनों को एक लाख बीस हजार की सैलरी मिलती है तो आप भैया चार लाख अस्सी हजार का प्रॉफिट हुआ है उसमें से घटा दो एक बीस तीन लाख साठ हजार बचेगा ये तीन लाख साठ हजार को आप बांट दोगे ए बी और सी में ये जो तीन लाख साठ हजार है ये आपने बांट देना है किसमें ए बी और सी में और इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन है तो रेशियो बराबर बराबर बांट देना ये तो प्रॉफिट का ही मिलेगा आपको और सैलरी जो है वो अमर और भानु को मिलती है कितनी कितनी एक लाख बीस हजार है ना टोटल अच्छा एक लाख बीस हजार ईच है क्लास ठीक कर लो एक बार जरा इसको एक लाख बीस हजार ईच है ना तो दो चालीस घटा दो यहाँ से ये मैंने पढ़ाने था अगले में ईच लिखा हुआ है अमर और भानु को जो सैलरी मिलती है वो एक लाख बीस हजार ईच है तो चार अस्सी में से दो चालीस घटा दोगे तो कितना बचेगा दो लाख चालीस हजार उसको आपने तीनों में बांट देना है ठीक है जो दो लाख चालीस हजार है उसको आप तीनों में बांट दोगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो देख लेना भैया सैलरी किधर लिखते हो इस क्वेश्चन को भी मुझे पूरा बनाना पड़ेगा क्या आपको ये आ गया चार लाख अस्सी हजार जो सैलरी है वो एक लाख बीस हजार दो पार्टनर की है तो दोनों को मिलाकर कितना आ गया दो चालीस जो प्रॉफिट बचेगा वो दो चालीस है बांट देना बाकी कैपिटल अकाउंट बना के बना लेना आंसर आ जाएगा पूरा का पूरा इसमें है ही क्या तो चालीस हजार है एबीसी तीनों को बांट देना अस्सी हजार अस्सी हजार अस्सी हजार बढ़ जाएगा तीनों में और सैलरी जो है दो पार्टनर की अच्छे से बना लो एक एग्ला में कोई प्रॉब्लम नहीं है थर्टी टू क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन में थर्टी टू ए तीन पार्टनर्स है इनकी रेशियो जो है टू टू वन है ए को मिलता है कमीशन दस परसेंट ऑन द नेट प्रॉफिट प्लस कहीं भी इसमें बिफोर आफ्टर लिखा हुआ है क्या तो एक लाख दस हजार का सीधा निकाल दो दस परसेंट कमीशन कितना आएगा ग्यारह हजार ए को जो कमीशन मिलता है वो नेट प्रॉफिट का दस परसेंट मिलता है एक लाख दस हजार का दस परसेंट सीधा आंसर आ गया ग्यारह हजार थर्टी थ्री क्वेश्चन चेक करो और फिर कंपेयर करना थर्टी टू और थर्टी थ्री को थर्टी थ्री में तीनों की रेशियो बराबर है जेड को जो कमीशन मिलता है वो दस परसेंट मिलता है नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन प्लस जेड को जो क्लास मिल रहा है ना कमीशन वो दस परसेंट है नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और प्रॉफिट जो है वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है दो लाख बीस हजार तो कभी भी अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो हम क्या करते हैं रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट करते हैं मैंने अभी सिखाया था ना आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यानी रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट तो ये आंसर जो आएगा वो आएगा बीस हजार रुपए थर्टी थ्री में जो क्लास मिल रहा है वो आ गया बीस हजार रुपए करेक्ट है क्लास खुशबू रानी आप सबका जो है वो सही है उत्कर्ष करेक्ट है तो अगर आफ्टर कमीशन लिखा हो तो रेट अपॉन ऑन हंड्रेड प्लस रेट बिफोर कमीशन लिखा हो तो रेट अपॉन ऑन हंड्रेड चलो थर्टी फोर क्वेश्चन पे आ जाओ वैसे तो सब मैं ही करा दे रहा हूँ आपको देख लेना और जो क्वेश्चन बचेंगे ना कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा आपको वो आपको करना है वैसे थर्टी फोर क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी डी की रेशियो ये है और जो नेट प्रॉफिट कमाया गया है वो एक लाख अस्सी हजार का कमाया गया है और एज पर द पार्टनरशिप डीड जो कमीशन है वो बीस परसेंट है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या होता है बीस अपॉन एक सौ बीस आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है बीस अपॉन एक सौ बीस तो एक लाख बीस हजार का बीस अपॉन एक सौ बीस करते हैं बताओ कितना बनेगा एक लाख अस्सी हजार सॉरी एक लाख अस्सी का बीस अपॉन एक बनेगा तीस तो कमीशन क्लास कितना बन रहा है तीस और तीस हजार को किस रेशियो में बांटेंगे टू थ्री टू थ्री में ये जो तीस हजार है थर्टी थाउजेंड इसको किस रेशियो में बांटेंगे टू थ्री टू थ्री तो आ, मतलब टू टू टेन टेन फिर 10, फिर थ्री तो ये छह हजार आएगा ये नौ हजार आएगा ये छह हजार आएगा ये नौ हजार आएगा लो हो गया। पहले कमीशन निकाला आपने फिर कमीशन को बांट दिया आपने खत्म बात कमीशन को निकाल दिया क्लास कमीशन को आपने बांट दिया खत्म तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा निपट गया आगे बात समझ सबको आज ही क्लास का थर्टी फाइव क्वेश्चन होगा आखिरी क्वेश्चन चलो फटाफट जरा थर्टी फाइव क्वेश्चन पूरा पहले पढ़ो आप अच्छे समझो एक बार सब लोग रीड जरूर करना एक बार बस सब लोग पढ़ लो क्वेश्चन फिर मैं कराता हूँ थर्टी फाइव क्वेश्चन सब लोग पढ़ लो एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो चेक करो थर्टी फाइव क्वेश्चन एक्स वाई हैं एक्स को कितनी सैलरी मिलती है दस हजार पर मंथ अच्छा एक महीने के दस हजार है तो साली इतनी बनेगी एक लाख बीस हजार कमीशन जो मिलता है वो दस परसेंट है नेट प्रॉफिट का आफ्टर पार्टनर सैलरी बच्चों ध्यान से सुनना जो मैंने आपको लिखवाया है ना रेट अपॉन हंड्रेड और रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट रेट अपॉन हंड्रेड और रेट अपॉन ऑन हंड्रेड प्लस रेट जो लिखवाया है मैंने आपको वो क्लास मैंने लिखवाया कमीशन के लिए किसके लिए कमीशन के लिए तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कमीशन के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कमीशन के लिए बिफोर लिखा है या आफ्टर लिखा है बिफोर तो यहाँ लगेगा रेट अपॉन ऑन हंड्रेड हाँ लेकिन नेट प्रॉफिट में से आपको एक चीज माइनस करनी है वो क्या है पार्टनर्स पार्टनर्स मतलब दोनों पार्टनर की सैलरी और फिर कमीशन निकालना है वाई की सैलरी जो है पच्चीस हजार पर एन है लेकिन वाई को जो कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे वो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी तो नेट प्रॉफिट में से सारे पार्टनर की सैलरी सारे कमीशन को घटाने के बाद जो आएगा उस पर आपने कमीशन निकालना है टेन परसेंट यहाँ पे रेट अप ऑन हंड्रेड लगेगा और नेट प्रॉफिट कितने का है चार लाख बीस हजार का तो प्रॉफिट का हमको बंटवारा करना है तो जरा मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ स्टेप बाई स्टेप आपको बेहतर समझ आएगा पी एंड एल एप्रो अकाउंट ई एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हो गया क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर समान आप लिख लेना नेट प्रॉफिट कितना है ये बताओ मुझे इस क्वेश्चन में आपको जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो लास्ट में दिया हुआ है चार लाख बीस हजार ठीक है टू सैलरी एक्स और वाई एक्स की एक लाख बीस हजार अच्छा स्टेप बाई स्टेप मार्किंग है जितने स्टेप आप सही लिखोगे ना उतने आपको मार्क मिलेंगे टू कमीशन एक्स ओके यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी पहले मुझे यहां तक बता दो कमीशन का आंसर तो क्लास निकाल लूंगा मैं पहले यहां तक मुझे बताओ करेक्ट है सब कुछ अभी क्वेश्चन जरा पढ़ के देखो क्या लिखा था क्वेश्चन में कि जो एक्स को सैलरी मिलेगी ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को वो नेट प्रॉफिट में से एक्स को जो सैलरी मिलेगी वो नेट प्रॉफिट में से एक्स को जो सैलरी मिलेगी क्लास वो नेट प्रॉफिट में से हम सारे पार्टनर की सैलरी घटा देंगे और उसका बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आपको दे रखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो हम करेंगे रेट अपॉन हंड्रेड तो आप घटाओ जरा चार लाख बीस हजार में से ये घटा दोगे आप एक बीस तो सही आ रहा था बच्चों का आंसर पहले ही निकाल दिया था बच्चों ने टू सेवेंटी फाइव तो सत्ताईस हजार पांच सौ आ गया ओके यही आ रहा था सबका ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड करेक्ट है ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड अच्छा एक चीज और सुनना आप सुनना ढंग से जो वाई को कमीशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा ध्यान से सुनना नेट प्रॉफिट में से सारी सैलरी घटा दो लो मैंने सारी सैलरी घटा दी और सारे कमीशन घटा दो तो भैया मैं तो सिर्फ एक्स का ही कमीशन घटा सकता हूं वाई का कमीशन मैं घटा नहीं सकता मैं सिर्फ एक्स का कमीशन घटा सकता हूं तो वाई के कमीशन के लिए करेंगे टेन अपॉन वन हंड्रेड टेन चार लाख बीस हजार माइनस एक बीस माइनस पच्चीस और माइनस सत्ताईस हजार पांच सौ और जो बचेगा उसका दस दस एक सौ करना है है क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो कि बनेगा बाईस हजार पांच सौ तो बस यही आफ्टर में रेट अप हंड्रेड करना है और बिफोर में रेट अप हंड्रेड प्लस रेट करना है करेक्ट है तो थर्टी फाइव क्वेश्चन हो गया ये आ गया, चार लाख बीस हजार चार लाख बीस हजार हम सब कुछ माइनस करते हैं इसमें से जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है करना क्लास कितना बच रहा है ये दो लाख पच्चीस हजार बच रहा है किस नाम से आएगा टू डिविजुअल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और वाई रेशियो दोनों की बराबर बराबर है ना चेक कर लेना तो इक्वली बांट देंगे एक लाख बारह हजार पांच सौ एक लाख बारह पांच सौ नहीं दिया रेशियो तो बराबर बराबर मानेंगे आगे बात समझ तो अब आप कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट वगैरह क्लास अच्छे से बना सकते हो मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ एक बार जो आपको होमवर्क करना है क्लास होमवर्क जो आपको करना है पहले तो ये अच्छे से बनाना थर्टी वन टू थर्टी फाइव तक ठीक है इसके अलावा फोर्टी फोर बना लेना बन जाएगा फोटी फाइव बन जाएगा फोर्टी सिक्स तो बना रखा है मैंने फोर्टी सेवन मैंने बना दिया है फोर्टी एट ट्राई कर लेना बन जाएगा फोर्टी नाइन बन जाएगा फिफ्टी फाइव बन जाएगा प्लस अब एक काम करो आप लोग एक बार ट्राई जरूर कर लेना एक का दो का क्वेश्चन में भी ना बने आप लोग यहाँ से यहाँ तक मतलब फोर्टी फोर से लेकर ना पूरा फिफ्टी सिक्स तक ट्राई कर लेना जल्दी चैप्टर खत्म कर दूंगा ठीक है फोर्टी सेवन का मैं देखता हूँ फोर्टी सेवन मैंने कहाँ कराया आपको फोर्टी सेवन क्वेश्चन ये तो फोर्टी थ्री है फोर्टी सिक्स है फिफ्टी वन ये ऐसा हाँ ये रहा फोर्टी सेवन का ले लो स्क्रीन शॉट रहा फोर्टी सेवन क्वेश्चन ठीक है ये सब हटा देना ये सब चीज़ कुछ नहीं है ठीक है ये सब कुछ नहीं है काट देता हूँ मैं ये हमारा पूरा हो गया तो होमवर्क जितना मैंने बताया क्लास उतना आप कर लेना और बस आप समझ लो दो क्लासेस के अंदर हम आगे चैप्टर जो है फिनिश कर देंगे